मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूँ, उस काम में लगा हूँ, उस काम में लगा बीमारियां इसी तरह से आ रही। हमने यूरोप और अमेरिका की बिना सोचे समझे जो नकल की आपने जीवन में, कुछ तो हमारी मजबूरी थी कि हम 250-300 साल उनके गुलाम रहे। लेकिन मुझे उससे ज्यादा दुख इस बात का है कि जब उनकी गुलामी चल रही थी तब भारत के लोग इतने मजबूर नहीं थे अंग्रेजों की नकल करने के लिए। वो चले गए 15 अगस्त 1947 को, उसके बाद जो अंग्रेजियत बढ़ी है उसने तो तबाह कर दिया इस देश। अब वहां कुछ और भी समस्याएं हैं, जैसे मैंने आपसे कहा ना स्किन बहुत हार्ड है, तो स्किन हार्ड है तो बिना साबुन के नहाना संभव ही नहीं है उनको, क्योंकि कास्टिक सोडा जो है ना हार्ड स्किन के लिए ही है। केमिस्ट्री में ये जो कास्टिक सोडा बनता है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये उन्हीं त्वचा के लिए एप्लीकेबल है, उन्हीं पर यह लगाया जा सकता है जो बहुत कड़क त्वचा हो। और हमारे भारत में इतनी सॉफ्ट है स्किन क्योंकि सूर्य का प्रकाश हमको है, हम रगड़ रगड़ के कास्टिक सोडा के साबुन से नहा रहे हैं, फिर त्वचा सूखी हो रही है तो फिर दौड़ दौड़ के जा रहे हैं, अरे डॉक्टर साहब क्या हुआ, स्किन रफ हो रही है, एक्जिमा हो गया, सोराइसिस हो गई, इचियोसिस हो गई, खाज हो गई, खुजली हो गई, वो तो होने ही वाला है क्योंकि सॉफ्ट स्किन के लिए साबुन बना नहीं है, साबुन बना है हार्ड स्किन के लिए। हमारे यहां तो वही चीजें हैं अच्छी नहाने के लिए जो सॉफ्ट स्किन पे एप्लीकेबल हो, जैसे दूध का स्नान। इसलिए हमारे यहां कहावत है दूधो नहाओ पूतो फलो, कभी सुना है किसी से लक्स नहाओ पूतो फलो? कोई कहता पियर्स से नहाओ पूतो फलो, लाइफ बॉय लगाओ पूतो फलो, दूधो नहाओ पूतो फलो, क्योंकि दूध जो है ना वो सॉफ्ट स्किन की सॉफ्टनेस को बरकरार रखता है। आपकी त्वचा जितनी नरम है उतनी ही नरम वो रखेगा, थोड़ा ज्यादा ही कर देगा, कम नहीं होने देगा। इसलिए शंकर भगवान दूध नहाते, महाशिवरात्रि को सब उन्हें दूध ही लगाते हैं, किसी को नहीं देखा कि वो साबुन से शंकर जी को नहलाता हो। अब कैसे मूर्ख लोग हैं, हम शंकर जी को तो दूध से नहलाएंगे और खुद साबुन से रगड़ रगड़ के नहाएंगे। और पागलों के पागल कहते हैं जी हम दूध के साबुन से नहाते हैं। अभी दूध से क्यों नहीं नहा लेते अगर दूध के साबुन से नहा रहे हो तो? कहते हैं जी हम तो हल्दी वाली क्रीम लगाते हैं, हल्दी क्यों नहीं लगा लेते? वो हल्दी वाली क्रीम आती है 1500 रुपए किलो और हल्दी आती है 40 रुपए किलो, तो कहो कि हल्दी लगा लो, क्या बात कर रहे हैं 40 रुपए किलो की चीज, हम तो 1600 रुपए किलो की लगाएंगे। उनसे कहो जी दूध से नहा लो 15 रुपए लीटर का है, नहीं नहीं हम तो साबुन लाएंगे दूध का 350 रुपए किलो वाला। हमारा जो दिमाग है ना घूम गया है, और ये घूमने का कारण है बिना सोचे समझे नकल करना। और ये नकल करवाने में सबसे बड़ा भूमिका हिंदुस्तान में किसी ने निभाई तो सिनेमा ने और टीवी सीरियल्स, सत्यानाश कर दिया इस देश का। टीवी सीरियल में जो भी जानकारी यूरोप की देते हैं आधी अधूरी, पूरी जानकारी कभी नहीं देते क्योंकि पूरी जानकारी समझने के लिए उनके पास भी फुर्सत नहीं। और सिनेमा बनाने वाले यूरोप में जाके थोड़ी बहुत शूटिंग वूटिंग कर लाते हैं तो उसी को देख देख के हमारा मन ललचाता रहता, भाई ऐसा कर लो ऐसा कर लो ऐसा कर लो। बहुत सारी हीरो हीरोइनों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि भाई आप कॉस्मेटिक्स क्या क्या इस्तेमाल करती हैं? वो तो कॉस्मेटिक्स इसलिए इस्तेमाल करती हैं कि दिन में 6-6 घंटे भयंकर फ्लड लाइट्स में उनको रहना पड़ता है, अगर वो कॉस्मेटिक्स ना लगाएं तो उनकी तो त्वचा जल जाए। फिर उन्हीं के मूर्खतापूर्ण टिप्स ले लेके हम अपने जीवन में प्रयोग करना शुरू कर देते हैं जबकि हमें कोई फ्लड लाइट्स में रहना नहीं पड़ता। भाई हेमा मालिनी ऐसा करती है तो हम भी कर रहे हैं, ऐश्वर्य रॉय ये लगाती है तो हम भी लगा रहे हैं, ऐश्वर्य रॉय हेमा मालिनी 6-8 घंटे भयंकर लाइट में रहती है त्वचा को बचाने के लिए ये सब करती है, हम तो नहीं रहते फिर हम क्यों करें? तो ये सब घालमेल हो गया, खिचड़ी हो गया, खिचड़ी ऐसा हो गया कि हमारा दिमाग ना तो हमारा रह गया ना उनका बन पाया, आधे हम अपने हैं आधे उनके हैं, तो फंस गया इसमें सारा चक्कर। और ये आधा अधूरापन रोज दिखाई देता है जिंदगी में। फिर और एक फालतू खर्चा आप बंद कर सकते हो साबुन का, फालतू साबुन ज्यादा मत लगाओ। तो कैसे नहाए, बेसन से नहाओ, चने के आटे से, मुल्तानी मिट्टी से नहाओ, नहीं तो तौलिया भिगा लो पानी में, गीले तौलिया से शरीर रगड़ लो पानी से नहा लो, नहीं तो दूध से नहा लो,
हमारे देश में महाशिवरात्रि का त्यौहार आता है, शंकर भगवान को दूध से ही नहलाते हैं, तो भक्त क्यों नहीं दूध से नहा सकते? जब भगवान नहा सकते हैं तो भक्त नहा सकते हैं। हम जब बुजुर्गों के पांव छूते हैं ना, तो वो आशीर्वाद देते हैं, दूधो नहाओ पूतो फलो। कभी किसी ने ऐसा आशीर्वाद दिया, लक्स लगाओ पूतो फलो? या लाइफ बॉय लगाओ पुत्रियां फलो? हमेशा कहते हैं दूधो नहाओ पूतो फलो। तो बुजुर्गों की इतनी तो मानो कि दूध से नहाओ। अब दूध से नहाने के फायदे क्या हैं? दूध से नहाने का फायदा, एक तो दूध की बिक्री बढ़ेगी, मुनाफा किसानों को मिलेगा, गाय पालनी पड़ेगी, भैंस पालनी पड़ेगी, पशुधन बढ़ेगा। पशुधन ही देश का धन है। वो कहते थे ना, गोधन गजधन बाजधन और रतन धन खान। तो गाय पशु ये सब धन है, देश का संपत्ति है, बोझा नहीं है कोई। दूध की डिमांड बढ़े तो यही होने वाला है। और दूध से नहाएंगे तो और एक फायदा है, साबुन का खर्चा कम। दूध से नहाएं तो और एक फायदा, गंदगी निकल जाती है। आप थोड़ा दूध ले लो, चेहरे पे लगाओ, फिर रुई से चेहरा पूछो, एकदम काला काला रुई हो जाता है, क्योंकि गंदगी सब निकल आती है उससे। दूध एक अकेली चीज है पूरी दुनिया में जो लगाने के 2 मिनट बाद ही गंदगी को खींच लेता है। इसलिए ब्यूटी पार्लर में मिल्क क्लिंजिंग होता है, सोप क्लिंजिंग कहीं नहीं होता। तो आप सोचो, नहाना दूध से शुरू करो। 1-2 चम्मच दूध लगता है, 1-2 चम्मच कच्चा दूध लेके तेल की तरह से रगड़ लो, पानी से नहा लो, तो त्वचा एकदम नरम रहती है। त्वचा नरम रहेगी तो कोल्ड क्रीम का खर्चा बचेगा, पामोलिव नहीं लगाना पड़ेगा, ओल्ड स्पाइस नहीं लगाना पड़ेगा, फेयर एंड लवली नहीं लगाना पड़ेगा, वो हजारों करोड़ का खर्चा बचेगा। लोग फेयर एंड लवली लगा लगा के परेशान है, कहते हैं इससे गोरापन आता है। मैंने एक भैंस को 4 साल लगा के देख लिया, वो अभी भी काली की काली है। दुनिया में ऐसी कोई क्रीम नहीं है जो काले को गोरा बना दे। जो काला है, जो गोरा है वो गोरा है। और जो काला गोरा हो जाता फेयर एंड लवली से, तो अफ्रीका वाले तो सब गोरे होते। कोई क्रीम काले को गोरा नहीं बना सकते, ये तो मूर्ख बनाते हैं वो विज्ञापन। और हम कितना खर्चा करते हैं, 25 ग्राम फेयर एंड लवली 40 रुपए की है, 50 ग्राम 80 की, 100 ग्राम 160 की, 1 किलो 1600 रुपए की। अब 1600 रुपए किलो की क्रीम लगाते हैं, 400 रुपए किलो बादाम नहीं खाते, क्या मूर्खता है। बंद करो ये क्रीम पाउडर लिपस्टिक नेल पॉलिश सब बंद कर दो, फालतू का बहुत खर्चा बचेगा। फिर आप कहेंगे जी सुंदरता नहीं आएगी, सुंदरता गुण कर्म और स्वभाव से आती है, क्रीम पाउडर लिपस्टिक से नहीं आती। जिसके गुण अच्छे हैं, कर्म अच्छे हैं, स्वभाव अच्छा है, वो सबसे ज्यादा सुंदर है, ये हमेशा याद रखो आप। और हम किसी को भी याद करते हैं ना, तो गुण कर्म स्वभाव पर याद करते हैं, सुंदरता से किसी को याद नहीं किया जाता इस देश में। हम झांसी रानी लक्ष्मीबाई को याद करते हैं इसलिए कि बहुत गोरी थी, या कित्तूर चन्नम्मा को इसलिए याद करते हैं कि बड़ी गोरी थी, सुंदर थी। नहीं, उसने काम ऐसा किया देश के लिए, इसलिए याद करते हैं। कर्म किया, गुण उसमें ऐसे थे, तो गुण याद रखे जाते हैं, कर्म याद रखा है। कभी कोई आदमी मरता है ना, तो ऐसे कोई याद नहीं करता, ओ मर गया, कितना गोरा था बेचारा, मर गया। कोई याद नहीं करता, हमेशा याद करते हैं, ओ कितना गुणी था, देशभक्त था, राष्ट्रभक्त था, धर्म प्रेमी था, मर गया, ऐसे याद करते। गुण याद होते हैं, कर्म याद होते हैं, स्वभाव याद होता है, सुंदरता याद नहीं रहती, क्योंकि सुंदरता क्षणिक है, नश्वर है, हमेशा नहीं रहती। क्यों फंस गए इसमें फिर क्रीम पाउडर लिपस्टिक? दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।